आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपना प्लेटफॉर्म टिकट एक सेकंड में अपने मोबाइल से बुक कर सकते हो। अभी तक तो आप मोबाइल से केवल और केवल आप अपना जो रिजर्वेशन वाले टिकट होते थे, तत्काल वाले टिकट होते थे, वो टिकट ही आप बुक कर पाते थे। बट आज आपको मैं एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐप लॉन्च किया गया है और आप इस ऐप की मदद से प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो कुछ ही सेकंडों में अपने मोबाइल की मदद से बुक कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। देखिए एक एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे ही उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का नजर आएगा। एप्लीकेशन का नाम है UTS, ठीक है। ये बेसिकली जो ऐप है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। इसमें आप किसी भी तरह का जो टिकट है देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन रेलवे। जैसे ही आप इसको कर लेते हो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसलिए लॉगिन मैंने कर लिया। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है और रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करके आराम से इसको साइन अप करने के बाद लॉगिन वगैरह कीजिएगा, आपका साइन अप हो जाएगा इस एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज दिए गए हैं, बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, आर वॉलेट या बहुत सारे प्रोफाइल वगैरह, इन सब चीजों को तो छोड़ दो, मेन जो टॉपिक आपका काम का है वो बुक टिकट। अब बुक टिकट में भी देखिए नॉर्मल जो टिकट होती है वो तो आप पेटीएम वगैरह से या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन IRCTC वगैरह बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां से आप बुक कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा नॉर्मल टिकट और नीचे आ रहा प्लेटफॉर्म टिकट। अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करनी है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट क्या होती है ये तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत किसी को नहीं है। जो प्लेटफॉर्म के लिए टिकट ली जाती है जहां पे आप रुकते हो प्लेटफॉर्म पे, अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो आप पे कोई ना कोई जुर्माना लगाया जाता है, इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट ली जाती है, ठीक है। चाहे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट के हिसाब से वहां एयरपोर्ट का टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल टिकट बुकिंग में जाता हूँ तो सिंपली मैं नॉर्मल बुकिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ। देखिए नॉर्मल बुकिंग में तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करते हो तो आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टिकट किस तरीके से बुक करनी है। पहला ऑप्शन आता है पेपरलेस और दूसरा ऑप्शन आता है पेपर के सही। तो यार पेपरलेस करो, क्यों पेपर वेस्ट करना, सबके पास मोबाइल है, टिकट दिखाया, काम खत्म। ये ऐप कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंटरफेस वगैरह भी, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सारी चीजें आपको दिखी रही होगी। वैसे तो सिंपल सा प्रोसेस है। अभी यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, जो पेपर लेस वाला उस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो सिंपली मैं ऊपर वाला फ्रॉम स्टेशन जयपुर कर देता हूँ, और जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पे अजमेर जाना है तो मैंने यहाँ पे अजमेर वाले बटन पे क्लिक कर दिया और डन वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अगर देखिए पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे पेमेंट में सिंपली यहाँ गेटवे वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे आप UPI से ना या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एक डेमो के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए ये मैंने एक मेंबर यहाँ पे जाने वाला है, अगर आपको दो मेंबर जाना है तो दो की बुक कर लो, तीन चार पांच जितने मेंबर आप जाने वाले हो उतने की टिकट यहाँ बुक कर लो। चिल्ड्रंस कितने हैं, अगर कोई चिल्ड्रन साथ में तो उनकी बुक कर लो। टिकट का टाइप है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये नॉर्मल आ गया, और यहाँ पे ऑर्डिनरी है, ये है, स्लीपर है, सब सुपर फास्ट है, तो सिंपल सा ट्रेन है। मैंने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे नीचे क्लास वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली ओके वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे टैप करोगे देखिए ये जयपुर से अजमेर के लिए जाने वाली 30 रुपए की टिकट मैं यहाँ से खरीद सकता हूँ। ऑनलाइन मैं इस टिकट को ले लूंगा, मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का और कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी। और आज के टाइम पे भी यदि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे की छोड़ो, अगर नॉर्मल आप 10वीं 12वीं पास भी हो कोई भी यूजर, तो मेरे हिसाब से टिकट के लिए लाइन में लगना बेवकूफी है। ऑनलाइन बुक करो, काम खत्म, वहां पे बहुत टाइम लगता है, आपका टाइम बच सकता है। सिंपली बुक कीजिएगा और पेमेंट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप बुकिंग वाले सेक्शन पे प्रोसेस पे पहुंच जाओगे। अभी आपके पास पेमेंट का गेटवे यहाँ पे आ जाएगा, आप UPI से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू पेमेंट गेटवे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोलेगा कौन सा गेटवे सेलेक्ट करना चाहते हो, UPI वगैरह वगैरह, यहाँ से मैं कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लूंगा और इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं, वापस चलते हैं बुक टिकट वाले सेक्शन पे और अब की बार हम बात करते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट। देखिए प्लेटफॉर्म टिकट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म टिकट को आप रेलवे स्टेशन पे अंदर जाने के बाद आप काम मतलब बुक नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ रीजन ये अंदर जाने के बाद आपको बुक नहीं करने देगा। ऐसा तो आप सोचोगे मैं अंदर चले जाता हूँ,
जैसे ही कोई टीटीवीडी आएगा तुरंत बुक कर लूंगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको ये टिकट बुक करने के लिए देखिए आपका जीपीएस वगैरह ऑटोमेटिकली ऑन होता है, मैं इसे बुक करने जाऊंगा तो अभी मेरा बुक भी नहीं होगा। अब बुक करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या एक एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है यहाँ पे देखिए सारा एरर मैसेज पढ़ सकते हैं। पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट इज अलाउड विद इन 2 किलोमीटर रेंज ऑफ, ठीक है मतलब 2 किलोमीटर के आसपास में आप जब पहुंचोगे तभी ये काम करेगा, उससे पहले ये काम नहीं करेगा। आप सोचोगे मैं 10 किलोमीटर दूर और पहले बुक कर लूं, नहीं, ठीक है ये वाला सिस्टम हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे बुक कर सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट, जो कि आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यही था। अगर आप पेपरलेस बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेपरलेस बुक कर सकते हो, किसी भी टाइम बुक कर सकते हो। 10 रुपए का टिकट होता है, 10 रुपए आपके यहाँ से कट जाएंगे और आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पे मिल जाएगा। तो और यहाँ से आप बहुत सारी और भी चीजें क्विक बुकिंग कर सकते हो, है ना, सीजनल टिकट वगैरह देख सकते हो। तो मेन टॉपिक मेरा था कि आप प्लेटफॉर्म टिकट को कैसे ऑनलाइन घर बैठे हुए मिनटों में कुछ सेकंडों में बुक कर सकते हैं। आई होप आज को आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कैसे बुक करना है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली तो अपनी तरफ से इसे एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तो बोलते रहिएगा जय हिंद।